शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी, यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत कम मेरी इनकम थी, लेकिन अभी मुझे 40 से 50 हज़ार तक मिल जाते हैं। तो मैंने ये घर बनवाया अपने लिए, मेरा बहुत शौक था कि मैं अपना घर बनवाऊँ खुद का। तो ये मेरा घर है अपना, मैंने बनवाया यूट्यूब की इनकम से। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल के एंड तक पूरा हो जाएगा। मेरा नाम राबिया नाज है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है फैशन एडिक्शन के नाम से, जिसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मैं यहाँ खैरपुर के छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एडिक्शन। सेल्फ लर्निंग है, मैंने ज्यादातर खुद ही सीखा है, और इंटरनेट से भी कुछ सीखा है मैंने, क्योंकि इंटरनेट पे भी हर किस्म के वीडियोस अपलोडेड होते हैं। मेरे भाइयों ने मुझे एडिटिंग सिखाई, बाकी मैंने सारा खुद ही किया है। एडिटिंग थोड़ी सीख ली, फिर मैंने अपने दिमाग से तो कुछ किया, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, फिर मैंने सीख लिया खुद। मैं देखती हूँ कि सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, या जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो किस टाइप के ड्रेसेस दिखा रहे हैं, किस टाइप के नेकलाइन, किस टाइप की स्लीव डिज़ाइन दिखा रहे हैं, और कैसे ट्राउज़र आजकल फैशन में इन है। मैं डिफरेंट डिफरेंट साइट से इमेज लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ अपने, फिर मैं सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करती हूँ। 3-4 घंटे बाद मेरा वीडियो जाके कंप्लीट होता है, फिर मैं उसे अपलोड कर देती हूँ। लेकिन मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो। यहाँ बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिजली बहुत कम आती है, और इंटरनेट कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ अपने वीडियोस को, मैं बना के रख लेती हूँ वीडियोस, जब भी इंटरनेट चल रहा होता है दिन हो या रात, मैं उस वक्त अपलोड कर देती हूँ अपनी वीडियो को। लड़कियों का कभी भी काम ऑफ नहीं होता, वो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा काम तो करना ही पड़ता है उनको। ये लड़कों का होता है कि कमा के आ रहा है तो बिठा के खिला दो, लेकिन औरतों के लड़कियों के ऐसे मामले में नहीं होता कि लड़कियां बैठ के खाएं, कमाए ना कमाए उनको काम करना ही पड़ता है, और मैं भी अपने हिस्से का काम कर लेती हूँ।